नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस साल 7 जुलाई को मनाई जाएगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस महापर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं। मंदिर की तैयारी को लेकर जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक पुरंदर मिश्रा ने रथ यात्रा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण में एकमात्र जगन्नाथ महाप्रभु ही ऐसे भगवान हैं जो वर्ष में एक बार बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और प्रसाद के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी यह त्यौहार हर साल बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भी यह रथ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह से तैयारियाँ की गई है। मंदिर में विशेष हवन और पूजा अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही भगवान की रथ यात्रा को खींचने की परंपरा भी पूरी की जाएगी। केवल पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में ही जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं और जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। रथ यात्रा महोत्सव है जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सब उपस्थित रहेंगे। सबको निमंत्रण दिया गया है और मैं छत्तीसगढ़ के सभी जगन्नाथ भगवान के प्रेमी लोगों को, भक्त लोगों को निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य की भागी बने, यही प्रार्थना, यही निवेदन। तैयार एकदम जोरों पे है। रग रोगन तैयारी, मंदिर का रग रोगन, रथ का रग रोगन सब कम्प्लीट है। बस एक दो दिन में आपको दिखने लगेगा कि तैयारी। लगभग कितने लोग शामिल होंगे? 1 लाख से ऊपर।